इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। यूपी के अमेठी में 16 मई को ही बहुचर्चित किसान नेता प्रमोद मिश्रा की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल सभी चारों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारों के पास से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल समेत 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अमेठी SP से गिरफ्तार करने वाली टीम को नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के लोनियापुर गांव का है, जहां पड़ोस के गांव श्रीरामपुर के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी प्रमोद मिश्रा को गांव के बाहर अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना को ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन गंभीर रूप से घायल प्रमोद मिश्र को लेकर CHC पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामला है प्रोफाइल होने के चलते खुद IG अयोध्या जोन संजीव गुप्ता ने अमेठी पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने का निर्देश दिया। उच्च अधिकारियों का आदेश मिलता ही हरकत में आई अमेठी पुलिस ने कई थानों के थाना प्रभारी समेत SOG को अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV की मदद से अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड पर गौर करें तो मुख्य अभियुक्त सूरज तिवारी के पिता की लकड़ी की दुकान थी। इसी दुकान के सामने बेशकीमती जमीन थी, जिसका पट्टा राम बहादुर यादव को 2018 में मिला था। राम बहादुर ने सूरज के पिता से 1,00,000 रुपए और बिल्डिंग मटेरियल का सामान लिया था और उसने इस जमीन को कब्जा करने के बाद सूरज के पिता को बेचने की बात की थी, लेकिन राम बहादुर ने इस जमीन का सौदा दूसरे से कर लिया। राम बहादुर की इस विवादित जमीन की पैरवी खुद प्रमोद मिश्रा कर रहे थे। सूरज को लगा कि यह जमीन दूसरे को मिल जाएगी, इसलिए सूरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रमोद को डराने के लिए उस पर फायर किया, लेकिन दुर्भाग्यवश गोली लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के समय सूरज अपनी अपाचे बाइक से था और बाइक उसका दोस्त रोहित चला रहा था। रोहित के 2 और साथी अजीत तिवारी, अनु सिंह पहले ही घर के रास्ते पर रेकी कर रहे थे। घटना को अंजाम देकर सभी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना का खुलासा करते हुए अमेठी SP ने कहा कि मुख्य आरोपी सूरज तिवारी की दुकान के सामने एक विवादित जमीन थी, जिसमें एक पक्ष की पैरवी प्रमोद मिश्रा कर रहे थे। इसी को लेकर सूरज ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर घटना की साजिश रची और प्रमोद मिश्र को गांव के बाहर गोली मार दी और फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल प्रमोद को परिजन जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ है, साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। वहीं किसान नेता प्रमोद मिश्रा के जीजा ने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। अमेठी से मनीष कौशल की रिपोर्ट। जी, ये एक 16 तारीख की रात में एक सूचना मिली थी, जिसमें प्रमोद मिश्रा जी, जो किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के हमारे जनपद में प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, और इनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी का अनावरण आज हमारे द्वारा किया जा रहा है। और पिछले 2 दिन में लगातार इसमें थाना अमेठी, जगदीशपुर, कमरौली, SWAT टीम, सर्विलांस टीम लगातार काम कर रही थी, और 2 दिन के अंदर अंदर ये खुलासा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और मौके पे इस्तेमाल हुई 2 बाइक अपाचे और प्लेटिना दोनों रिकवर हुई हैं। इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, जिसमें डिजिटल एविडेंस है, और एक 12 बोर का तमंचा जो आला कत्ल है वो भी बरामद हुआ है, और उसी में फंसा हुआ उसका जो यूज कार्ट्रिज है वो भी उसमें स्टक है, वो भी बरामद हुआ है। इसमें घटनाक्रम ऐसा रहा है कि एक ज़मीनी विवाद चल रहा था 2 चचेरे भाइयों के बीच में, राम बहादुर और कृष्ण कुमार। उसमें राम बहादुर को की मदद करने के चलते प्रमोद मिश्रा जी उसकी मदद कर रहे थे, और यही बात जो है सूरज को नहीं अच्छी लगी, जो हमारा मेन अभियुक्त है सूरज तिवारी। उसने अपने दोस्त रोहित को संपर्क किया, और रोहित के साथ साथ उसने अपने 2 दोस्त अनुज और अजीत को संपर्क किया। ये 4 दोस्तों ने योजना बनाई 13 और 14 तारीख में कि इसमें प्रमोद मिश्रा को क्षतिग्रस्त करना है, और इन लोगों ने सूरज ने अपने 3 दोस्तों को बुलवाया। उसमें अनुज और अजीत ने रेकी की और फॉलो किया, दुकान से लेके घर तक का जो रास्ता था उसकी लगातार रेकी की, और वहीं से रोहित को वो संपर्क करके बताते रहे उनकी क्या लोकेशन है। और रोहित और सूरज जो हैं वो उस पर अपाचे बाइक पे थे, और सूरज के पास अपना पर्सनल 1/12 बोर तमंचा था, और उसने उससे क्लोज रेंज में फायर किया पीछे से, जिसके कारण सब्सिक्वेंटली प्रमोद मिश्रा जी का निधन हो गया। यही वर्कआउट आज किया है, जिसमें 4 अभियुक्त जो हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके पास से आला कत्ल और मौके पर इस्तेमाल हुई बाइक और मोबाइल फ़ोन की बरामदगी की गई है।
बिल्कुल, मैं उनको जनपद स्तर पे भी कैश अवार्ड से पुरस्कृत करना चाहूंगी और साथ में उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसमें बहुत प्रशंसा व्यक्त की गई है और सभी टीम के मेंबर्स को बधाई दी गई है। जितेंद्र कुमार तिवारी, क्या रिश्ता था जिनके साथ? मैं उनका सगा बहन हुई हूँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से पुलिस ने 72 घंटे के अंदर इस तरीके से घटना का अनावरण किया है, कितने संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट हैं पूर्णतः, और ये भी चाहते हैं कि जो भी लोग और उसमें इन्वॉल्व हों या उस जमीन के विवाद में जितने भी लोग थे सबका खुलासा होना चाहिए और उनको सही सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, निस्संदेह हम लोग उनके आभारी हैं, आभारी रहेंगे। क्राइम इंटेलिजेंस फोर्स टीम प्रभारी झारखंड एवं नेशनल हाईवे रिलीफ टीम प्रभारी झारखंड के द्वारा गरीब पैदल यात्रियों को पानी एवं खाद्य वितरण सामग्री का दैनिक वितरण किया जा रहा है। रांची जिला ग्रामीण के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने राष्ट्रीय उच्च पथ 33 एवं रिंग रोड में दूसरे प्रदेशों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को यथासंभव राहत पहुँचाया गया। मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिदिन जितना संभव हो राहत देने का काम करते रहेंगे। आज पुनः राष्ट्रीय उच्च पथ 33 रामपुर सिरदौल पलांडू सहित रिंग रोड में उड़ीसा छत्तीसगढ़ विजयवाड़ा से लौटे मजदूरों को खाद्य सामग्री पानी वितरित किया जा रहा है। उन्हें प्रदेश भाजपा के निर्देशन पर नेशनल हाईवे रिलीफ टीम झारखंड रांची के सदस्य मनोज कुमार सिंह के द्वारा राहत सामग्री प्रदान किया जा रहा है। मौके पर कौशल सिंह, कृष्ण कुमार, प्रदीप कुमार उपस्थित थे।